कह तो रहा है बहुत, आग तो बहुत है इसके अंदर। जा 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 जा। वेल हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है हिमांशु मिश्रा और वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है इनसेन गाय। तो दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं एकदम ब्रांड न्यू सेगमेंट। ब्रांड न्यू सेगमेंट से मेरा मतलब है कि चैलेंजेस वगैरह तो बहुत कर दिए, वैसे अभी तक हमने सिर्फ 3 ही चैलेंजेस कर रखे हैं। चैलेंजेस हमने कर लिए हैं, पर थोड़ा सा क्यों ना क्रिएटिव हुआ जाए इन चैलेंजेस पे। तो मैंने सोचा कि इस बार थोड़ा आर्ट एंड क्राफ्ट को भी लाया जाए अपनी लाइफ में। तो इसलिए मैं ला रखा हूं एब्सोल्युटली न्यू सेगमेंट जिसका नाम है लेट्स गेट क्राफ्टी। तो लेट्स गेट क्राफ्टी के एपिसोड नंबर 1 के लिए, जिसमें हम करने जा रहे हैं एक पेपर प्लेन बैटल। हम क्रिएट करेंगे पेपर प्लेन और इसके लिए हमें चाहिए होंगे कुछ कंटेंडर्स। मेरे पास है टीडू और दूसरा कंटेंडर है प्रशांत, जिसके साथ मैं काफी चैलेंजेस कर चुका हूं अब तक और आ चुका है। तो जो बात जो भी बात है उसको हम कट कर देंगे। ओए, इसको कट कर देना, ठीक है। तो हम अब शुरू करने जा रहे हैं लेट्स गेट क्राफ्ट। तो हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं कंटेंडर नंबर 1 के पास। तो क्या प्लान्स हैं आपके सर? मैं जो प्लेन सोच रहा हूँ वो एक लॉन्ग रेंज प्लेन है जिसमें बहुत तरह के फोल्ड्स होते हैं। मैंने जब प्लेन बनाना शुरू किया था तब मुझे इसका इतना आइडिया नहीं था, लेकिन काफी रिसर्च के बाद मुझे बहुत ही अच्छे आइडियाज मिले हैं जिससे हम एक प्लेन की रेंज को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, ये मेरा दूसरा चैलेंज है और काफी नया टाइप का है, तो मैं काफी कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं ही जीतने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरा प्लेन तैयार हो गया है जिसका नाम है द वॉयजर, और ये जीतने वाला है क्योंकि इसकी मैक्सिमम रेंज है। वही प्रशांत, आप क्या कहना चाहेंगे अपने प्लेन्स के बारे में? मैं तो कहूँगा कि ये प्लेन जीतने वाला है, ये एक विजेता का प्लेन है। और इस प्लेन की खासियत ये है कि ये ग्लाइड करेगा, दिखेगा ये फाइटर जेट जैसा लेकिन ग्लाइड करेगा ग्लाइडर की तरह। तो मुझे लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा दूर तक जा सकता है जितना मैंने सोचा है। YouTube में वीडियो देखी और वहाँ से मुझे पता लगा कि क्या क्या अपने प्लेन में एक कुछ ऐसे टाइप के फोल्ड देना है जिससे वो ग्रेविटी और कह सकते हैं कि एरोडायनामिक बने, जिससे वो ज़्यादा उड़े। तो वो मैंने वहाँ YouTube से देखा है। तो दोस्तों, मेरा फाइटर जेट बन चुका है और मैंने इसका नाम रखा है स्पिटफायर, क्योंकि ये मुझे याद दिलाता है एक ड्रैगन की। स्पिटफायर ही जीतेगा कॉम्पिटिशन। आ चुकी है मेरी बारी। इस प्लेन को बनाने से पहले मैंने डिटेल में कई सारी YouTube वीडियोस देखी। जॉन कॉलिंस, जो कि प्लेन सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट डिस्टेंस जिसका जिनका कवर किया है, उनका वर्ल्ड रिकॉर्ड है, उनकी वीडियो देखी। जॉन कॉलिंस आप यहाँ देख सकते हैं। तो जॉन कॉलिंस की मैंने वीडियो देखी और उसी चीज को, सेम टेक्निक को अप्लाई करके मैं आज इन दोनों को धूल चटाने वाला हूं। तो मेरा प्लेन बनकर तैयार हो चुका है और इसका नाम है बेबी फ्लैश। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं अपने घर की छत पे। हम लोग के प्लेन्स तैयार रखे हैं, बेबी फ्लैश, इसका क्या नाम था, जो भी कुछ नाम था। और ये द वॉयजर। तो बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं मेरे को अपने बेबी फ्लैश से। हवा की डायरेक्शन इस तरफ को आ रही है, तो ये एक टफ चैलेंज होने जाएगा। तो हम प्लेन उड़ाना शुरू करते हैं। सबसे पहले द वॉयजर लॉन्च होगा, तो आइए द वॉयजर के लिए एक बार ए लेट्स गो। 1 2 3 हवा दिया। अब हम लोग वापस जा रहे हैं नीचे क्योंकि छत में हवा बहुत ज़्यादा है। जो भी एयरक्राफ्ट उड़ा रहे हैं घूम के वापस हाथ पे आ जाते। तो अब नीचे से करते हैं कंपटीशन को पूरा आज। तो अब हम आ चुके हैं ग्राउंड पे। द वॉयजर भी यहाँ पहुँच चुका है, बेबी फ्लैश भी तैयार है, स्पिटफायर भी यहाँ पे है। अब मुझे नाम पता है इसका। तो अब हम इनको लॉन्च करने जा रहे हैं, तो बने रहिएगा। चलो फिर लॉन्च करें। द वॉयजर है सबसे पहला, तो बढ़ते हैं उसके थ्रो पे। चलो, एक पॉजिटिव डिसेंट तो इसने कवर करी कम से कम। तो उसके बाद है अपना स्पिटफायर थ्रो करने। स्पिटफायर के जो अपने निर्माता हैं वो थोड़े से इंजर्ड चल रहे हैं,
और उनको फिर फिलहाल हमने कैमरामैन का काम दे रखा दूसरे स्पॉट पे, आप देख ही सकते हैं। हाय बोले भाई, ये सौभाग्य हमें मिला है। अबे ये अब बेबी फ्लैश की बारी आ गई दोस्तों। बेबी फ्लैश कह तो रहा है बहुत, आग तो बहुत है इसके अंदर, अब देखते हैं क्या होता है। जा 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 जा, क्या क्रॉस हुआ ये? अबे तो ड्रॉ लग रहा है, पे एक ड्रॉ हुआ है। ड्रॉ नहीं हुआ है, कैसे देखो ये रुस्ता उसका पोजीशन देखो, मतलब ये थोड़ा सा आगे है बस, ये थोड़ा सा आगे है। अगर आप लाइन से देखें बस थोड़ा सा आगे है, इंच आगे थोड़ा सा, तो ये ड्रॉ हुआ है। वेल मोमेंट था कि बेबी फ्लैश और द वॉयजर के बीच में एक ड्रॉ हुआ, आपने देखा ही था। तो अब यहाँ पे मोमेंट आ गया है, हम सेकंड राउंड करने जा रहे हैं, फाइनल राउंड, जो कि डिसाइड करेगा कि कौन है इस एयरक्राफ्ट बैटल का विनर। तो द बेबी फ्लैश सबसे पहले उड़ने को जा रहा है। अरे भैया बेबी फ्लैश यार गिर गए। तो देखो दोस्तों, जीतने की आदत तो ही गई है, फिर से एक बार जीत लेता हूँ, क्या फर्क पड़ रहा है। ये कब जीत गया भाई? चल द वॉयजर, कैन ही मेक इट? भाई ये तो जीत गया, शिट। तो विनर है द वॉयजर, टीम टी यहाँ पे जीत गई, टीम त्रिपथ या फिर टीम टीडीएम बोल लो। तो ये टीम, ये चैलेंज मैं हार गया, पता नहीं किस्मत ही खराब हो रखी है, पता नहीं क्या करूँ यार। द बेबी फ्लैश हट, किस्मत बहुत ज़्यादा ख़राब है मेरे दोस्तों यार। थैंक यू गाइस। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो दोस्तों इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आगे आने वाले सेगमेंट और भी ज़्यादा धमाकेदार होने वाले हैं, तो बने रहिएगा मेरे इस चैनल में जिसका नाम है इनसेन गाइस। हम फिर मिलेंगे और इसी उम्मीद के साथ कि मैं फिर जीत जाऊँ, अब पता नहीं कब जीतूँगा। तो सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, और तब तक के लिए टेक केयर, स्टे इनसेन, स्टे क्रेजी, बाय बाय।